क्लास हॉल का आप कितना रेंट देते हैं? रेंट बहुत महंगा है, काफी कॉस्टली है। यहाँ पे हम लोग का एरिया के हिसाब से तो स्क्वायर फीट पे लिया जाता है। आप जितना फीस देते हैं ना यहाँ पर, क्लास से भयानक। क्लास हॉल का आप कितना रेंट देते हैं? मत जानो बाबू, यहाँ रेंट पूछना है तो एक विद्यार्थी से पूछो, वो छोटे से बेड का कितना रुपया देता है। हाँ, काफी कॉस्टली है यहाँ पे। हम लोग का एरिया के हिसाब से तो स्क्वायर फीट पे लिया जाता है। हाँ, स्क्वायर फीट पे होता है। एक विद्यार्थी जो बैठता है अमूमन 3 से 4 स्क्वायर फीट पे बैठता है। एक विद्यार्थी जो बैठता है ना, वो 3 से 4 स्क्वायर फीट पे, दो फीट ऐसे जगह लेता है। देखिए, ये 1 फीट हो गया, ये 1 फीट हो गया, ये हो गया 2 फीट, और ऐसे ही 2 फीट इधर जगह लेगा। 1 फीट हो गया, इतना में तो कोनो बैठ नहीं जाएगा, बैठ जाएगा फिर इतना में किताब रखेगा। तो एक विद्यार्थी इतना जगह लेता है, 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा, तो 2 फीट इधर हो गया और 2 फीट इधर हो गया, 2 दूनी 4, फीट गुड़े फीट, फीट का स्क्वायर, फीट गुड़े फीट, फीट का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर फीट। कितना जगह? 4। एगो विद्यार्थी कितना स्क्वायर फीट में बैठा? 4। यहाँ अमूमन 40 रुपया 1 स्क्वायर फीट का लिया जाता है। एगो विद्यार्थी कितना जगह ले रहा है? 40 रुपया 1 स्क्वायर फीट का रेंट है, और एक विद्यार्थी बैठता है कितना स्क्वायर फीट में? 4 स्क्वायर 4 चौको 16। एक विद्यार्थी के बैठने का 160 रुपया लगता है। अब आइडिया लगा लीजिए आप लोग का। आप जितना फीस देते हैं ना यहाँ पर, आप गुणा कर लीजिएगा एक आपका जितना दिन क्लास करिएगा उतना से। समझ में आ गया? हमको जानते हैं काहे लिए इतना विरोध झेलना पड़ता है, इसी सब के लिए, क्योंकि हमारा क्या है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, एकदम मार्जिनल पे चलते रहना। यहाँ पर कोई खर्चा और चाहे नहीं हमारा। हाँ, हमारा कहाँ कौन चीज का खर्चा है, कहियो ना बढ़ने वाला है खर्चा हमारा। तो 160 रुपया सोचिए कितना आ रहा है। अब जहाँ बैठे हैं सोच रहे हैं, अब विद्यार्थी से गुणा कर दो, 5000 विद्यार्थी बैठा है अभी, 5000 विद्यार्थी बैठा है। अब सोचना, तुमको साल भर बैठना है इसमें, इसमें बिजली बिल नहीं जोड़ा गया है, 2 लाख रुपया बिजली बिल आता है यहाँ का। अब जो फीस देते हो एक बार सोच के देना। हम आप कहते हैं, गारंटी कहते हैं कि आप अपने खुद के भाई को इस फीस में नहीं पढ़ा पाइएगा, आप नहीं पढ़ा पाएंगे यहाँ पर। लेकिन हमको पता है कि भाई अगर हम लोग इस फीस को बढ़ाना चालू किए लोग ना, जहाँ हम लोग हटे ना, आप याद कीजिएगा ना, फीस आसमान छू जाएगा आपका। दिक्कत उन लोग को इसी बात से कि इतना बढ़िया क्वालिटी का है नहीं, फीसवा बढ़ाते हैं यहाँ पर। नहीं तो बाकी लोग 3-3, 4-4 महीना का कोर्स का 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लिया जाता है। और हमारे वो शिक्षक लोगों से हम कभी प्रेम से बोलते हैं ना, तो हमको वो लोग इनडायरेक्टली कहते हैं कि अच्छा तुमको बोले, रुको हम तुमको 4 गो सुनाएंगे। हम इनडायरेक्टली हमारा को कोसेंगे लोग, कौआ के सर अपले गाय मरेगी जी। तो अभी रेंट बहुत महंगा है, कहाँ का? पटना का। एकरा से भयानक जानते हैं कहाँ है? दिल्ली। वहां यहाँ तो कितना रुपए स्क्वायर फीट है? 40 ना, वहां और ज्यादा है। वहां यहाँ एक विद्यार्थी बैठने का खर्चा कितना है? 160। वहां रेंट है अमूमन, अगर मान के चलिए आपको 100 रुपया स्क्वायर फीट, तो वहां एक विद्यार्थी को बैठाने में कितना खर्चा है? 400। कितना? 400। समझ में गया? कुल पैसा उधर चल जाएगा। अरे टेंशन नहीं लो जी, अभी हम बहुत लंबा चलने वाले हैं। समझ में गया? बात हो गई है ऊपर? हाँ, ऊपर बात हो गई है। वो लोग बोला कि हमारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग शांति से खुश हैं। वो लोग क्या बोला? लोग
वो लोग शांति से खुश है, मतलब नहीं समझा? अगर हम गए उस लोक में अशांति का जनक, समझा गया? नरक में आदमी क्लास लेगा, स्वर्ग वाला आके क्लास करेगा? हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। और अगर आपको ऐसा उम्मीद है तो जितना जल्दी इस भ्रम से बाहर निकलिए आप लोग। भर गया जगह स्वर्ग में का, बस आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, खुदा से दुआ कीजिए कि नरक में बैठने का जगह मिले ना। ठेला ठेली नरक में हुआ तो आप कहिएगा जितना जनसंख्या है। तो हम लोग को भैया बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं है, बैठने का जगह मिल जाए ना तो खड़े खड़े पीटेगा सब उसमें, नहीं तो नरक वाला। यहाँ पे स्वर्ग में काला लड़का जाएगा बस।